हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास टेंथ का जो इंग्लिश बुक है उसका जो फोर्थ चैप्टर है, फर्स्ट बुक का, उसी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ध्यान से इसको समझना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखिए, चैप्टर का नाम है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि इसका जो राइटर भी है कौन है? एनी फ्रैंक, है ना। एनी फ्रैंक जो है अपना डायरी जो लिखे थे उसी डायरी का जो है एक पार्ट जो है इस चैप्टर में दिखाया गया है और इसी का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी, यानी कि एनी जो थी अपनी डायरी का जो है नाम क्या रखी थी। ठीक, ऑप्शन है एनी, केटी, किटी। तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि वो अपने डायरी के नाम जो है वह किटी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, कौन से सब्जेक्ट में जो है वह श्योर यानी कि निश्चित नहीं थी कि वह पास हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा है वह? ई, यानी कि मैथ, यानी कि मैथ टीचर जो है उसको अच्छे तरीके से बनता नहीं था जिसके कारण जो है उसको डाउट था कि शायद इसमें हम पास नहीं होने पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनवाइट विथ हर, विथ हर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है एनी। ठीक है, मतलब मिस्टर किसिंग जो है वह एनी के मैथ टीचर थे और वो जो बोल रहे हैं कि वे जो है एनी से एनवाइट मतलब नाराज क्यों रहते थे। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन है सी वाज र्यूड, सी वाज टैलकेटिव। ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जो है बातूनी थी। ठीक, वह ज़्यादा बोलती थी जिसके कारण जो है मिस्टर किसिंग जो है उससे नाराज रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन, मैंने किस लैंग्वेज में जो है वह डायरी जो है वास्तव रूप में जो है लिखा गया था। तो आपका आंसर जो है क्या होगा? डच होगा, यानी कि डच लैंग्वेज में जो है, डच भाषा में जो है वह डायरी जो है वास्तव में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, मतलब अपने लास्ट एसे जो है क्या लिखी थी। तो पोयम हो गया, जोक हो गया, इसका आंसर जो है क्या होगा? डी, यानी कि फनी पोयम। वो जो है क्या लिखी थी? फनी पोयम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी जो है क्यों चाहती थी एक डायरी रखने के लिए। तो आपका इसका आंसर होगा सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसके जो है कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं थे, उसे कोई भी जो है उस टाइप से मित्र नहीं था, सॉरी मिस उस टाइप से मित्र नहीं थे जिसको वह अपना पर्सनल बात या फिर जो जितना सारे बात होता है वो सब चीज़ शेयर कर सके, इसलिए जो है वह डायरी लिखना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, क्वेश्चन है कि एनी की जो है डायरी कब दिया गया था। ठीक है, 11th बर्थडे, 12th बर्थडे, 13th बर्थडे। तो आपको याद रखना है उसके 13 मैंने उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर जो है उसे डायरी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिबलिंग, सिबलिंग का मीनिंग होता है भाई बहन, डिड एनी है मतलब एनी के जो है कितने भाई बहन थे। ठीक, तो एनी और उसके सिर्फ एक ही जो है सिस्टर थे, उसका नाम क्या था? मार्गोट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आ भी गया कि एनी फ्रैंक जो सिस्टर जो है उसका नाम क्या था। तो आपका आंसर भी जस्ट बताया था कि उसका नाम क्या था? मार्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गोट सेंड टू लिव विथ दियर ग्रैंड मदर, मैंने किस शहर में जो है एनी और उसकी बहन को जो है उसके दादी माँ के साथ में जो है रहने के लिए भेज दिया गया था। तो आपको आंसर याद रखना है कि चेंड जो है ये ऑप्शन बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना जो है उम्र हुआ था जब एनी के जो फादर का जो शादी हुआ था उसके माँ के साथ, तो उनका जो है उम्र कितना हुआ था। तो आपको याद रखना है कि उनका उम्र जो है 36 ईयर हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हाई डज एनी थिंक सी वाज लोनली, एनी को एनी जो है ऐसा क्यों सोचती थी कि वह जो है अकेली है। तो इसका ऑप्शन है सी हैड नो फ्रेंड, उसका क्या कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके फ्रेंड थे बट वैसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसको मतलब अपना वो सारा बात बता सके। सेकेंड ऑप्शन है सी हैड नो रियल फ्रेंड, ये जो आपका राइट आंसर होगा ना, क्योंकि उसका कोई वास्तविक फ्रेंड नहीं थे जिससे कि वो अपना सारे चीज़ शेयर कर सके। तो ये सारे जो है इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है लिख कर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।